पड़ेगा, गंदा सच को त्यागना पड़ेगा, क्योंकि गंदगी को प्रभु अपनाने वाला नहीं है। हालेलुया, गंदा चीज को त्यागना है और अच्छा चीज को अपनाना है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, 10 आ गया, देखिए यहाँ पहले ईश्वर का बातें और नीचे प्रशासन का बात है। देखिए ना, 5 से नीचे, तू मुझे छोड़ ईश्वर करके दूसरों को ना मानना, ईश्वर किधर है? 10 आ गया, निर्यम पुस्तक उसका 20 का उसका 3-17 में, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, ईश्वर किधर है? तू अपने लिए कोई मूर्ति ना बनके बना, ताकि ईश्वर के समान ना हो। ईश्वर के लिए किसका है? किसका है? दूसरा है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोजकर ना बनाना। हमें बनाने वाले को भूल गए हैं, और इंसान बना उसका मान सम्मान आदर करना शुरू कर दिया तुमने। तो हमें बनाने वाला, आवाज देने वाला और आवाज देने वाला, खिलाने वाला को ना भूले। तो यहाँ पर है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, क्योंकि परमेश्वर हम लोग को मूर्ति के समान है और बनाए किसने? वो सब कुछ दायित्व देखते हैं। पीड़ महिला ने मूर्ति बनाता है, तो वही पत्नी को लेकर मैं जाती हूँ, सब बना रहा हूँ, सब तरह का भगवान बना, भगवान अलग है, परमेश्वर अलग है, भगवान अलग है, परमेश्वर अलग है, भगवान है भगवान है। Thank you.
है जो लोग भी आते हैं यहाँ पर सब प्रभु के लोग है सबके लिए अलग 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 ईश्वर नहीं है अलग अलग ईश्वर नहीं है और ईसा मसीह क्रिश्चियन के लिए स्पेशल ईश्वर नहीं है सबके लिए है और मैं तो देखता हूँ जितना क्रिश्चियन लोग ना यीशु मसीह से लाभ उठा रहा हमारे हमारे हिंदू भाई मुसलमान लोग उठा रहा क्योंकि ईसा मसीह दुनिया में सब मानव जाति को मानने के लिए आया है जो उनको मानेगा जो उनके बात को कथा को सुनेगा उनको कल्याण हो हरेगा तो आज अष्टमी प्रार्थना है आज शनिवार है और यहाँ पर प्रभु कहता है तो विश्राम दिन को मानने का स्मरण रखना संडे दिन को तुम मानना उस दिन विशेष कर तुम प्रार्थना करना पूजा तो रोज करते हैं लेकिन प्रभु कहता है रविवार को तुम प्रार्थना करना रविवार का करना जैसे स्कूल में हर दिन मास्टर टीचर प्रार्थना करवाते हैं करवाती है लेकिन सब सबसे पूजा दिन क्या करवाते हैं पूजा करवाते हैं हालेलुया मास्टर साहब लोग हर दिन स्कूल में प्रार्थना बच्चे को प्रार्थना और सरस्वती पूजा दिन नहीं है आठ दिन कहने बना है
सातवां दिन ईश्वर के साथ रहने के लिए दिया था। छह दिन दुनिया में काम करने को दिया है, लेकिन सातवां दिन ईश्वर के साथ रहने को टाइम दिया किसने? प्रभु ने। लेकिन हम उनके साथ रहते नहीं है, और इसलिए वो हम लोग को साथ देते नहीं है। ईश्वर के साथ नहीं रहते हैं, इसलिए ईश्वर हम लोग साथ देते नहीं है। Yeah.